तो अभी हम मिंदल माता के दर्शन करके आए हैं। आगे का प्लान मैं आपको बताऊं, हम जा रहे हैं साच पास होके आज का स्टे हम अगर देखेंगे जम्मू, मेरे को मुश्किल ही है कि निकल पाएंगे जम्मू के लिए, तो ब्यारा का स्टे करेंगे। एंड अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से साच पास के लिए। साच पास मेरे ख्याल से इस तरफ है कहीं पे, ऊपर की तरफ। 11:15 हो गए हैं एंड देखते हैं कितने बजे तक हम साच पास पहुँचते हैं। अगर तो हम पहुँच गए जल्दी फिर हम जम्मू के लिए निकल जाएंगे, पहुँचे तो फिर ब्यारा का स्टे लगेगा हमारा। ओके अभी इनको लिफ्ट दी थी वहां से मंदिर से यहाँ तक किलाड़ तक। यहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती हैं, इस करके हमने दो बंदे से तो दे दी लिफ्ट, हम भी खाली जा रहे थे। एक मंदिर का पंडित ही साहब, वो मंदिर में ढोलकी बजा रहा था। अभी उन्होंने बताया रास्ता हमें साच पास के लिए कहाँ से कट होगा। देखो गुलाबगढ़ यहाँ से 46 किलोमीटर है ना, ये करने में ना 4 घंटे लगते हैं, यानी कि हर 10 किलोमीटर 1 घंटा लगता है यहाँ पे करने में। फाइनली अभी आके हम पक्के रोड पे आए हैं। अब ये कितनी देर तक मिलेगा हमें वो तो हमें भी नहीं पता। गाड़ी भाई 10-20 की स्पीड से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 20 से ऊपर जा रही नहीं थी इन किलोमीटर्स में, मिंदल माता वाला जो कच्चा रोड है। भाई ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, दिखा रहा है ये साच पास नीचे की तरफ, पर मैप में दिखा रहा सीधा है भी नहीं है कोई जिसको पूछे। चंपा यहाँ से 170 किलोमीटर, साच पास 40 किलोमीटर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं भाई, इनको पता होगा लोकल है ना भैया साच पास के लिए। यही सो यही है भाई साच पास के लिए। रोड पे है भी कोई नहीं, और हालत देखो इस रोड की कैसी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आता ही नहीं होगा। बट देखा जाए तो साच पास भी अभी हफ्ता ही हुआ खुले हुए, मे बी इस कारण कोई गाड़ी ही नहीं है ज्यादा यहाँ पे। तो भाई ये वाला जो रूट है ना साच पास वाला, भाई देखो कितना सीनिक है। अभी स्टार्टिंग में तो सीनिक आ रहा है, आगे का पता नहीं। एंड इस रोड पे ज्यादा गाड़ियाँ बाइक्स भी नहीं है, पुल की हालत तो बड़ी खस्ता भाई। वो देखो पुराना पुल लकड़ी वाला, एंड ये देखो अभी ये सारी साच पास वाली चढ़ाई है। अब ये हमें हाइट पे चढ़ना है, अब ये पूरी ऊपर साच पास वाली चढ़ाई है। एंड रोड देखो कितना सीनिक है भाई, ग्रीनरी है दोनों साइड। देखो रोड अब खराब हो चुका है, एंड ये देखो पूरा मतलब है ही नहीं रोड, पहाड़ ही काटे हुए सिर्फ। एंड मैंने अभी 4x2 में चला रहा हूँ गाड़ी फिलहाल अभी तक तो 4x4 की जरूरत पड़ी नहीं। जब से गाड़ी ली है ना इतनी ऑफ रोडिंग कभी नहीं की जितनी मैंने आज कर दी एक दिन में। कम से कम भी 100 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की।
तो जो ये सामने आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाला बर्फ वाला, तो ये है सच पास। अभी हमें यहीं पे जाना। ब्रो सामने रास्ता देखो, देख रहे हो वहाँ पे? हाँ, हाइट देखो, हाइट चेक करो। ले बेटे ओम को इस रोड की बर्फ की पहली झलक देख लो, ये ग्लेशियर है। एंड आगे तो और भी आएगा, ये तो शुरुआत है अभी। जगह देख के रुकना, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ना, ये शूटिंग स्टोन का एरिया, कभी भी पत्थर ऊपर से आ सकता है। अभी अभी हमारे सामने दो पत्थर गिरे ऊपर से। शाबाश बेटे। को यहाँ से कहाँ से बताना, यहाँ से देखो कहाँ वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर, हाँ वो ऊपर तक जाना हमें। अब ये सारी सच पास की चढ़ाई है। आगे है रोड बंद, रोड का चल रहा है काम। उस साइड का व्यू देखो, हसी वादियां, खुला आसमान। तो भाई अभी लगाया मैंने फोर लो, तब से फोर हाई की यहाँ पे फोर लो की जरूरत थी, क्योंकि पीछे ग्रेवल वाला रोड था, फोर लो ही लगेगी। बीच में से सड़क जा रही है एंड वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, और वो देखो हम कहाँ से आए हैं। एंड भाई इतना चढ़ के ना, सो इस करके थोड़ी इसको रेस्ट देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सारे इंक्लाइन है ये, एंड ज़्यादा जोर नहीं देंगे गाड़ी को, थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे। ये हालत देखो, ये देखो मिट्टी, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है भाई, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। एंड अभी यहाँ से 14 किलोमीटर है सच पास, और आधा घंटा दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। ये देखो जो स्विफ्ट और I-20 लेके आए हैं भाई, चढ़ रहे ही नहीं है यहाँ से। एंड कितना उनको स्ट्रगल करने पड़ा, देखो सारे उतर गए हैं वहाँ पे। वो तू कहेगा मैं जाऊँगा नहीं जब मैं फोन चार्ज कर लगाऊँ। यहाँ कैसे चढ़ेगी वो स्विफ्ट और वो? यहाँ तो इधर कर गर्म हो गई है, तो इस करके हमने चलने के नीचे लगा दिया है, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए थोड़ी बहुत। तो उसके कारण थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, पता है। यहाँ 10-20 के ऊपर जा रही नहीं है, क्या गर्म ठंडी होगी गाड़ी। अब ठंडी हो जाएगी गाड़ी, देखो टेम्परेचर वो हो गया ना। तेरी यहाँ भी फूल रही है भाई, ये देख लो कितनी बड़ी है, कम से कम ये 20 फुट की होगी स्नो की। एंड इस साइड वाली पिघल गई है, उस साइड गिर जाएगी अब ये। सो गाइस देख लो भाई, जो पहाड़ लद्दाख आ गया, लद्दाख में आया। क्यों झूठ बोल रहे हैं? लद्दाख नहीं आया, जो पहाड़ियाँ हमको दूर दिख रही ना, वो देखो कितनी पास आ चुकी है। ये देखो कितनी स्नो है यहाँ पे, एंड सच पास मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर ही रह गया यहाँ से। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है भाई,
भाई लद्दाख आ गया पागल बनाना लोगों को भाई ये लद्दाख है बहुत ज्यादा दिख रहा है अब गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ठंडी हवा बज रही है पहले गर्म हुई थी यहाँ पे ढाबे छाबे हैं आ सकते हो आप हल्का फुल्का यहाँ पे बट हम उतरते समय आएंगे अभी नहीं रुकेंगे अभी हमारा मेन मकसद है ऊपर ही चढ़ते रहना ओ भाई साहब साच पास पहुंच गए एंड अभी टाइम क्या हो रहा है 3:30 बजे पहुंचे हैं पूरे रात ले दी थी देख लो साच पास सो फाइनली हम अपनी थार लेके साच पास पहुंच गए एंड 5-10 मिनट का ही ब्रेक लिया अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि हो सकता है हम आज जम्मू भी निकल जाएं बट मुश्किल ही है देखते हैं कोशिश करेंगे सो भाई साच पास में ज़्यादा देर नहीं रुके 10-15 मिनट रुके इतनी देर रुक के करना भी क्या है हमने
तो फोटो शोटो खिंचवाई, माथा टेका एंड अभी निकल रहे हैं हम नीचे की तरफ। तो देखते हैं कि भैरागढ़ कितने बजे पहुंचते हैं हम, उस हिसाब से हम देखेंगे कि जम्मू निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, क्योंकि भैरागढ़ से जम्मू हमें लगेगा कम से कम भी 8 से 9 घंटे। अब वही देखना कि कितने बजे भैरागढ़ पहुंचते हैं। फिलहाल तो अभी हम नीचे उतरते हैं यहाँ से। तो भाई ये जो सच पास है ना, ये साल के सिर्फ 3 महीने ही खुला रहता है एंड बाकी के 9 महीने ये टोटली बंद रहता है। पूरे साल में 3 महीने ही खुलता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है। बहुत ऐसा एरिया यहाँ पे आपको जब मर्जी आपको बर्फ मिलेगी मिलेगी। अभी हमने यही प्लान किया कि अब हम सीधा जम्मू ही निकलेंगे, पूरी रात ड्राइव करेंगे, क्योंकि भैरागढ़ रुकने को कोई फ़ायदा नहीं है, दिन ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा सुबह 5 बजे भी अगर हम घर पहुंचे तो आराम से सो पाएंगे। इस करके अभी हम यही प्लान किया कि जम्मू ही निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। फिलहाल अभी तो सवा चार हो रहे हैं एंड सच पास हमने थोड़ा सा उतरा नीचे, देख लो आप सच पास का, क्योंकि उसके बाद क्या पता मैं कब ऑन करूँ, क्योंकि इसकी बैटरी भी कम है फ़ोन की और इसमें स्पेस भी कम है। सो ये देख लो भाई सच पास का व्यू। इस बार सोर वाले में भी इतना पानी नहीं था वाटर फॉल में ना, बर्फ ही पड़ी है तब भी पड़ी। तो भाई यहाँ पे ना मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसमें कि गांव के जितने बंदे थे सारे मार दिए थे, वो उनकी याद में वो स्मारक बनाया हुआ है इन्होंने। सुबह देखो कब से चल रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं अभी, अभी जाके ये रोड आया है। रोड भी नहीं है, टाइल वाला रोड है, बट ठीक है, रोड से अच्छा है कम से कम। पूरी बैक पेन कर रही है भाई, इतने ऑफ रोडिंग सुबह से चला रहे हैं एंड अब जाके ये रोड मिला है। एंड यहाँ पे भाई टावर अभी आए हैं ऊपर, नीचे से जब हम ऊपर चढ़े थे तब से लेके अभी तक कोई टावर नहीं था इन बिटवीन, सिर्फ अब जाके नेटवर्क आया फोन के। तो भाई पूरे 11 बजे पहुंचे हैं हम पठानकोट डाउनटाउन। यहाँ पे हल्दीराम में बैठना था बट वो बंद था एंड इस करके मैकडी में बैठे हैं, अभी हमारा ऑर्डर आ रहा है। तो भाई आज ना पूरे कितने घंटे, 22 घंटे लगातार गाड़ी चलाई है आज, गुलाबगढ़ से मिंदल, मिंदल से साच पास से सीधा जम्मू। भैरागढ़ हम रुके नहीं क्योंकि एक दिन वेस्ट हो जाना था, इस करके हम जम्मू किया हमने। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 और अभी हम पहुंचे हैं जम्मू। सो ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज, पहले गाड़ी देखते हैं कितनी चली है भाई हमारी। एंड 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अभी घर के लगा लो, यानी कि मोटा मोटा लगा लो आप 850-850 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है ये पूरे ट्रिप पे। सो ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ट, राइड सेफ, राइड मोर, बाय बाय।